नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। विधानसभा भोगांव के ग्राम आलीपुर पट्टी में समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की गई, जिसमें दर्जन भर से अधिक गांव के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की ये रिपोर्ट। विधानसभा भोगांव के गाँव आलीपुर पट्टी में समाजवादी पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर दी गई। आज दिन गुरुवार को कस्बा सहित लगभग दर्जन भर से अधिक गांव के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं आलीपुर खेड़ा सहित शिवपालपुर, नगला बंद, नाका, बर्धनिया, मिलकिया, विक्रमपुर, सुलखनपुर, जलालपुर, निजामपुर, नगला खंदारी, देवीपुर, रजबना आदि के लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा के दर्जन भर वरिष्ठ नेताओं ने मंच साझा किया, जिसमें पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रदेश भर किसी प्रकार की विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। जो सपा सरकार ने विकास कार्य कराए हैं, बस वही अब तक हुए हैं। सपा बसपा गठबंधन पर होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रतिशत सीटों पर सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आप सपा में कौन से पद पे हो? मैं सपा में विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा होगा। आज जो बैठक हुई, इसका कौन कौन सेक्टरों को हुई? आज आलीपुर पट्टी सेक्टर और जलालपुर सेक्टर। कितने बूथ हैं इसमें? इसमें करीब दोनों में मिला के 30 बूथ हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश आज दिया? कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, खराब नीतियां, उनके बारे में चर्चा हुई। और आगे आने वाले 19 वाले चुनाव में हम लोग संगठित होके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें और अपने संगठन को मजबूत करें। ठीक।